वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर आई एम बैक विद अनदर मीशो हॉल वीडियो। एंड मीशो हॉल वीडियोस के लिए मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ। एंड आज का वीडियो होने वाला है फुटवेयर हॉल, जिसमें मैंने ऐड किए हैं ये 6 फुटवेयर्स। आप 5 इसमें देख रहे हैं, एक नीचे रखा है, तो ये 6 फुटवेयर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसमें है हील्स होने वाली है, फ्लैट्स होने वाले हैं, एंड मोस्ट ट्रेडिशनली जूती होने वाली है। पूरे जो हो मतलब जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। सभी प्रोडक्ट के लिंक्स नीचे आपको डिस्कॉक्स मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ स्क्रीन पर और नीचे यहाँ शो हो रही होगी, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो हियर इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड ये है फ्लैट्स। मैंने ये लिया है स्काई ब्लू कलर में, मतलब पेस्टी कलर लिया है इसका। बहुत ही प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद, एंड यू कैन सी बहुत ही मतलब सुंदर से है, कंफर्टेबल से, आप इनको डेली वेयर में कैरी कर सकते हैं। बैक साइड से भी मतलब बहुत स्लिपरी वाला फैब्रिक नहीं है इसका पैटर्न। आपको इस फ्रंट में देखेंगे यहाँ पर आपको नोट वाला पैटर्न मिल रहा है, एंड एक क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न मिल रहा है हल्का सा। इसका साइज जो मैंने लिया है वो 4 लिया है, 37 UK 4 आता है मुझे। बहुत ही मतलब है ना, मुझे ना बहुत ही सही साइज है, वैसे मुझे 36 आता है, बट मैंने इसमें एक साइज बड़ा लिया है, बिकॉज ये वाला जो है ना थोड़ा पैटर्न नैरो है, इसीलिए मैंने एक साइज में बड़ा लिया है, वरना मुझे जनरली है ना 36 आता है। इसका प्राइस जो था वो है 199 रुपीज़, प्लस इसमें 67 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगा था, तो ये पूरा मुझे पड़ा है 266 रुपीज़ में। बहुत ही सही आर्टिकल है, अगर आपको इसमें मतलब है ना कुछ फ्लैट्स में चाहिए डेली वेयर में कैरी करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। एंड ये जो पूरा मटेरियल दिया हो ना, ये लेदर दिया हो, मतलब प्यू वाला मटेरियल दिया हो, तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। कुशनिंग वगैरह दी हुई है बहुत हल्की सी, एंड मतलब स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी है, और मतलब फाइन स्टिचिंग दिया हुआ है। तो अगर आपको डेली वेयर में कुछ कैरी करने के लिए कंफर्टेबल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस और मिल जाएंगे, 2 या 3 कलर ऑप्शंस हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको येलो कलर नहीं चाहिए तो आप डार्क कलर से भी जा सकते हैं, बट दिस लुक सो क्यूट, बहुत ही प्यारा कलर है, एंड मैंने ये वाला कलर पिक किया इसमें। सो चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे, एंड नेक्स्ट आइटम बहुत ही प्यारा है, यू विल लव इट सीरियसली। ओके लेट मी शो यू, ओ माय गॉड, यू कैन सी दी ज्यादा जूतीज विच आई हैव गॉट, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इतनी ज्यादा कलरफुल है, इतनी ज्यादा बहुत ही प्यारी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। एंड यू कैन सी मतलब इसमें कलर मल्टी कलर मिल जाता है, इसमें पूरी बीट से हो रही है ना, ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिरर वर्क वाला दिया हुआ है पूरे में वर्क, इसमें मोती वाला। बट ये ना मुझे एक चीज़ बहुत अजीब मतलब वो बेकार लगी इसमें, ये सारी जो डिटेलिंग दी हुई है इसमें, ये ना अलग से चिपका रखी है, तो आप ना 2-4 यूज में ये पूरा निकल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और ये ना 2-3 तो मतलब जब मैंने उसमें से पैकेट में से निकाला तब भी इसमें से 2-3 तो निकल गई थी, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बोल पा रही हूँ कि है ना ये निकल जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये लें, क्योंकि अभी भी देखिए पूरा निकलने लग गया है ये। वैसे बहुत 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 प्रिटी है ये, बाकी ये कि ये ना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। इसका जो प्राइस है वो है 190 रुपीज़, 190 रुपीज़ में बहुत ही सही डील है, मतलब 190 रुपीज़ में तो क्या ही चाहिए। मतलब पूरा है ना अंदर कुशनिंग वगैरह नहीं है, बट जो उसकी फिनिशिंग है वो बहुत बहुत अच्छी दी हुई है। एंड इसमें जो साइज मैंने लिया है वो लिया है 4, मैंने हर फुटवेयर में साइज एक बड़ा ही लिया है, मतलब कि मुझे वो ज़्यादा अच्छे से कम्फर्टेबल आए इसीलिए। तो मैंने इनको लिया है 190 रुपीज़ में, 190 रुपीज़ में बहुत सही डील है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें। बाकी ये ना 2-3 बार में ये सारी डिटेलिंग निकल जाएगी इसकी, तो आई डोंट प्रेफर कि आप इसको ट्राई करें, या आई डोंट प्रेफर कि आप इसको ट्राई करें, बिकॉज है ना ये सारी डिटेल निकल जाएगी, एंड बहुत बेकार लगने वाला है इसके बाद तो ये। सो वैसे परफेक्ट है, मुझे साइज भी बहुत सही आया है, बट ये ना डिटेलिंग की वजह से आई डोंट कीप इट, मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। यस, मैं दिल पे पत्थर रख के इसको रिटर्न करने वाली हूँ मैं। सो चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर, एंड नेक्स्ट आइटम होने वाला है, ओके लेट मी शो, मैं देख लेती पहले क्या होने वाला है। हाँ ठीक है, ब्लैक हील्स। सो नेक्स्ट आइटम है ये ब्लैक कलर की हील्स, यू कैन सी अभी देखिए ये ब्लैक कलर की हील्स, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे दिखी, तो इसे मैंने इसको पिक कर लिया। ये आप देखेंगे फ्रंट में ट्रांसपेरेंट वाला स्ट्रैप मिल जाता है इसमें यहाँ पर, और ये नीचे यहाँ पर भी एक स्ट्रैप दिया हुआ है, यू कैन सी यहाँ पर भी एक शाइनी वाला मटेरियल है इसमें, यहाँ पर एक स्ट्रैप दिया हुआ है।
मतलब ऐसे पूरा इसका जो पूरा मटेरियल दिया हुआ है ब्लैक ब्लैक, ये पूरा ना ये वेलवेट वाला मटेरियल दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी इसकी ज्यादा। मैंने मतलब देखा इसको पहना भी नहीं है और ये अभी से थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, इसीलिए इसको हल्का सा मतलब इसको ना हल्का नहीं, इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, इसको आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। एंड वैसे ये बहुत ज्यादा सही है, कुशनिंग वगैरह दी जाए मतलब इसमें यहाँ पर कुशनिंग दी हुई है, यू कैन सी यहाँ पर हल्का सा, तो है ना कंफर्टेबल भी है। हील भी इसके ब्लॉक हील में है, तो एक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको इजीली पहन सकते हैं डेली वेयर में, अगर आप कैरी करना चाहें तो कैरी कर सकते हैं। मतलब पूरा जो पैटर्न है बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही एलिगेंट है, तो आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं इसको। फ्रंट में आपको इसका स्क्वायर टो मिल जाता है इस तरीके से। एंड इसका जो साइज मैंने लिया है वो मैंने 3 लिया है इसमें, बिकॉज हील ये वाला जो पैटर्न होता है ना इसमें अगर आप अपना फिटेड साइज नहीं लोगे ना तो बिल्कुल फिट ना सही नहीं लगने वाला और लूज हो जाएगा। ये वाली स्ट्रैप जो होती है ना ये फिटेड आए तो ही सही लगती है, तो इसीलिए मैंने इसमें अपना साइज जो मेरे को 36 आता है मैंने वही लिया है एग्जैक्ट। एंड मतलब इसमें ना कलर ऑप्शन भी सिंगल ही था तो ये वाला मैंने कलर पिक किया। एंड आप मैंने शॉक्ड हो जाएंगे अगर आप इसका प्राइस सुनेंगे, इसका प्राइस है 271 रुपीज, अंडर 300 रुपीज में ये बहुत बहुत अच्छी मतलब हील्स है। अगर आपको डेली वेयर में या ऑफिस पर्पज से हील्स देख रहे हैं या फिर कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बहुत ही सही है। मतलब इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ निकल रहा हो, हील मटेरियल भी बहुत सही है और ना ये स्टिचिंग वगैरह भी मतलब इसका जो पेस्टिंग है वो बहुत अच्छी और क्वालिटी में दी हुई है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इसको रिकमेंड करूंगी, आप इसको देख सकते हैं ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। सो दिस इज द नेक्स्ट हील एंड ये वाली हील भी बहुत रीजनेबल है, सो आप ट्राई कर सकते हैं। ये ली है मैंने व्हाइट कलर में, ये वाली हील कुछ इस तरीके से है, ये प्रॉपर व्हाइट कलर में दी हुई है। एंड ये आगे से पैटर्न देखेंगे, इसमें क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर, और ये ना मतलब जो मतलब अंगूठी वाला पैटर्न आता है ना, मतलब अंगूठी में ये वाला पैटर्न जाएगा। एंड ये इस तरीके से है, मैं आपको प्रॉपर हील दिखाती हूँ। इसमें ये आपको ब्लॉक हील मिल जाती है एंड इसकी हील की जो जो हाइट है ना वो मतलब 2.5 या 2 इंचेस हील दी हुई है, 2.5 या 3 इंचेस होगा इसका ज्यादा, इतनी हील दी हुई है। बहुत ही मतलब कंफर्टेबल हील है, मतलब इसको डेली वेयर में इजीली कैरी कर सकते हैं अगर आप इतना हील कैरी करना चाहें तो। एंड ये फ्रंट में देखेंगे आपको इस तरीके से शेप दी हुई है, इसमें आगे से राउंड वाला पैटर्न दिया हुआ है। क्वालिटी इज अमेजिंग, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मतलब मैं ना इसकी क्वालिटी बहुत सही है, स्टिचिंग वगैरह बहुत सही है। एंड ना इसका जो ब्रांड है ज़ेफ, यू कैन सी हियर ज़ेफ करके कुछ ब्रांड है इसका। इसका साइज जो मैंने लिया है वो 3 लिया है। अगेन हील्स में मुझे मतलब अपना प्रॉपर साइज ही सही लगता है, बिकॉज वो अगर फिटेड ना है तो यू कैन स्लिप और है ना वो पैर पैर मुड़ जाएगा, तो इसीलिए मैं अपना परफेक्ट साइज देती हूँ। एंड इसका प्राइस जो है वो है 371 रुपीज, 371 रुपीज में बहुत ही सही क्वालिटी में आपको हील मिल रही है, मतलब बहुत अच्छी है। इसमें जो ये मटेरियल दिया हुआ है ना शाइनी वाला मटेरियल है, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होगा एंड इसमें स्क्रेचेज वगैरह भी नहीं आएंगे, मतलब खराब नहीं होगा स्क्रेचेज वगैरह लगने से। सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए तो आप कोई और कलर भी जा सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी शायद 2 व्हाइट है एंड मैंने 3 बाय कर लिए, पता ही नहीं मैं व्हाइट पिया कि क्यों अटक जाती हूँ। तो मेरे पास ये वाली हील भी है एंड बहुत ही मतलब मैंने बहुत ही मिनिमल सा इसका हाइट है, तो यू कैन ट्राई फॉर एवरीडे यूज, फॉर कॉलेज यूज, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। चलते हैं नेक्स्ट हील पर। ओके सो दिस इज माय नेक्स्ट हील एंड ये ली है मैंने पिंक कलर में। ओके दीज आर द हील्स। इसका पैटर्न इतना सुंदर बहुत ही सुंदर, यू कैन सी यहाँ पर आपको फ्रंट में इस तरीके से पैटर्न मिल रहा है, प्रॉपर मतलब बंद वाला जो होता है ना ऊपर से वो मिल रहा है एंड साइड से आपको इस तरीके से। मटेरियल इज नॉट गुड, इसका जो स्टफ है ना वो आप बोलेंगे कि 7 out of तो ज़्यादा ही हो गया, 5 out of 10 है, बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब सा। पहनने के बाद ना इसमें रिंकल्स पड़ने लग गए, सो आई डोंट प्रेफर। मैंने इसकी हील जो मंगवाई थी वो सिर्फ इसकी वजह से मंगवाई थी, यू कैन सी इसकी जो है ना ये दिया हुआ है बहुत ही क्लासी लग रहा था पहनने के बाद। एंड ये ना मतलब ये बहुत सही लग रहा था दिखने में भी, वहां पर एग्जैक्ट वैसी आई है बट इसका मटेरियल आई डोंट लाइक,
ये वाली जो क्वालिटी है इसकी हील की वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड बहुत स्टडी सा है, तो ये आप ना नॉर्मली इसमें नॉर्मली गिरेंगे भी नहीं एंड ये बहुत अच्छा लग रहा था। यू कैन ट्राई अगर आप ट्राई करना चाहें इस तरीके के हील में, बट इसका जो मटेरियल है ना वो मतलब इतना अच्छा नहीं लगा ये ना, आप मत ही ट्राई करना सीरियसली बिकॉज नहीं ख़राब हो जाएगी एंड मुझे फिर बोलेंगे कि दीदी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आप इसको मत ही ट्राई करना बिकॉज की जो क्वालिटी है इज़ नॉट गुड एट ऑल। इसका जो साइज़ मैंने लिया है वो लिया है 3, परफेक्ट साइज़ आ रहा है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है यहाँ पर, कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी, कोई वो नहीं है, बट आई डोंट लाइक द मटीरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर, यू कैन सी अभी से इसमें ना रिंकल्स पड़ने लग गए और अब बहुत मतलब बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पहनने के बाद। एंड इसका जो साइज मैंने लिया जैसे मैंने बताया 3, इसका जो प्राइस है वो है 555, 550 रुपये में, 555 रुपीज़ में, यू बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, तो अगर आप मत ही ट्राई करना। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी सिंगल ही थे, इसमें आपको कलर ऑप्शन 4 मिल जाएंगे, तो अगर आप फिर भी अगर आप लेना चाहें, इसका पैटर्न वैसे बहुत सेक्सी है, पैटर्न बहुत सुंदर है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बाकी मेरी तरह से तो आप मुझे नहीं पसंद आई है, तो आप मत ही ट्राई करना है। एंड इसका जो मतलब ब्रांड है ना वो रेट्रो करके कुछ है, रेट्रो वॉक, मैंने इसकी हील्स इंस्टाग्राम पे भी देखी है एंड वहाँ पर इनकी ना बहुत अच्छी ह्यूज वेराइटी में मिलती है, सो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है बाकी पैटर्न एंड जो जो लुक है वो बहुत अच्छा है, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो यू कैन ट्राई दिस, आपको लिंक नीचे मिल ही जाएगा, तो वहां से आप ट्राई कर लेना। सो अगर आपने ये ज़ारा की हील नहीं देखी है अभी इंस्टाग्राम पे या फिर वैसे भी वायरल हो रखी है बहुत ज़्यादा, सो आई विल शो यू इन द वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस। इसका ज़ारा का जो इस पर प्राइस है वो 6000 अप्रॉक्स है एंड वी हैव गॉट दिस अंडर पीस 1000, आपको बहुत पसंद आने वाली है, माय गॉड आई लव इट। सो दीज आर द हील्स विच आई हैव गॉट, दे आर द एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ ज़ारा हील्स, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत सही है, स्टडी क्वालिटी है, यू कैन सी कितनी सुंदर है, यहाँ पर आपको जो राइम स्टोन वाला वर्क दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में है, यहाँ पर यू कैन सी आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, या पूरा ट्रांसपेरेंट वाला पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे भी एंड ये बैक साइड पे भी स्ट्रैप दिया हुआ है, ऑल ओवर दिस इज अ गुड गुड बॉट वेरी वेरी गुड हील, बट आई डोंट लाइक वन थिंग इन दिस, इसमें ये जो है ना स्ट्रैप दिया हुआ है वो हल्का सा लूज है जिसकी वजह से वो उसका इतना ना लुक नहीं आ रहा है वो चीज़, बाकी ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। इसका जो साइज मैंने लिया है वो लिया है 3 एंड ये 785 पीस में मैंने इसको लिया है, 100,000 रुपीज में आपको एग्जैक्ट ज़ारा ड्यूप मिल रही है, सो यू कैन ट्राई, अगर मतलब हो सकता है कि मेरे पैर में फिट नहीं आ रही हो ये चीज़, बट अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। इसका जो क्वालिटी वगैरह है यहाँ पर कुशनिंग वगैरह दिया हुआ है, इतनी नहीं है बट हल्की सी कुशनिंग दी हुई है एंड ये मतलब आगे से भी कवर्ड नहीं है प्रॉपर, यू कैन सी यहाँ पर यहाँ कटआउट वाला पैटर्न दिया हुआ है, तो ये मतलब रीजनेबल है, आगे से नैरो होने वाला है तो आपका पैर ऐसे आएगा आगे से, तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा, प्रॉपर साइज आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज आपको प्रॉपर साइज ही लेना चाहिए बिकॉज हील है, तो इसीलिए हील की जो क्वालिटी है ये भी बहुत सही है, मतलब ऐसा ना निकलने वाला नहीं है, अगर आपको इसको इजीली कैरी कर सकते हैं एंड हाइट जो है हील की वो भी 3.5 या 3 समथिंग है, तो मिनिमल हाइट ही है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं बर्थडे पार्टीज के लिए या फिर पार्टी वेयर हील के लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आज का वीडियो को पसंद आया हो, पसंद आया तो गिव इट अ बिग लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, सो प्लीज डू लाइक डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई जरूर करूंगी, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बाय एवरीवन।